मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली दो समाप्त कर ली थी। प्रश्नावली दो आप लोगों को समझ में आई होगी। प्रश्नावली दो जो थी वह भिन्न से संबंधित प्रश्नावली थी। बिंदु का जोड़ बाकी गुणा भाग किस तरह किया जाता है, उसी तरह की एक प्रश्नावली और है परिमेय संख्याएं। अध्याय नौ जो हमारा है वह है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग किस तरह किया जाता है, यह हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम प्रश्नावली की मुख्य बातें इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं जो आपके सवाल हल करने में काम में आते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, अध्याय नौ का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या होती क्या है, वह संख्या जिसे हम अंश बटा हर, अंश को हम कह दे पी और इसको कह दे क्यू, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या क्या है, वह संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं और जिसका हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जिसका हर शून्य हो गया वह कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या की परिभाषा लगभग आपके भिन्न की परिभाषा के समान ही, भिन्न में भी हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, पर भिन्न में ये नहीं है कि भिन्न में अगर जीरो हो गया तो वह भिन्न कहलाएगी, क्योंकि अगर एक पूर्णांक है उसको भी हमने भिन्न बनाया था। पूर्णांक में हमने नीचे हर में क्या लिखा, एक लिख के उसको भिन्न बनाया है। तो इसमें यह भी लिख सकते हैं आप, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसका हर हमेशा क्या होता है, अगर किसी पूर्णांक में हर में कोई संख्या नहीं लिखी है तो हर में हम क्या मानते हैं, एक। तो हर में यदि एक माना तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जीरो न तो धनात्मक परिमेय है परिमेय संख्या के दो प्रकार है। परिमेय संख्या के दो प्रकार, पहला धनात्मक परिमेय क्या होता है बच्चों, धनात्मक परिमेय में अंश और हर में समान चिन्ह होते हैं, जैसे दो बटा पांच, ये इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यानी यह प्लस की संख्या है। अगर माइनस चार बटे माइनस पांच का समान चिन्ह है तो ये धनात्मक परिमेय कहलाएगी, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो यह एक धनात्मक परिमेय है। पांच बटा आठ यदि माइनस में है तो दोनों ही माइनस में है तो यह एक धनात्मक परिमेय कहलाएगी। सेकेंड ऋणात्मक परिमेय, ऋणात्मक परिमेय में अंश और हर में दोनों स्थानों में से एक जगह माइनस होता है, ये ध्यान रखना आपको, जैसे दो बटा पांच तो एक जगह माइनस होगा, ये चार बटा पांच तो एक जगह माइनस होगा, पांच बटा आठ तो एक जगह माइनस होगा। ये सब
जहाँ पर एक स्थान पर माइनस है वह ऋणात्मक परिमेय है, जहाँ दोनों स्थानों पर माइनस है वह धनात्मक परिमेय कहलाती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय आप लोगों को समझ में आया होगा कि धनात्मक परिमेय में समान चिन्ह होते हैं अंश और हर में, प्लस है तो दोनों ही प्लस होंगे और माइनस है तो दोनों ही माइनस होंगे। ऋणात्मक परिमेय में दोनों में से एक जगह माइनस होता है तो वह ऋणात्मक परिमेय कहलाती है। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, लिखिए समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? जैसे आपने तुल्य भिन्न निकाली थी ना, तुल्य भिन्न की जैसे ही समतुल्य परिमेय संख्याओं में होती है। किसकी जैसी होती है? तुल्य भिन्न, यानी किसी परिमेय संख्या को समान अंश और हर से गुणा कर दे तो यह समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ये समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ये दो दूनी चार, पांच दूनी दस, तीन दूनी छह, पांच तीन पंद्रह, चार दूनी आठ, पांचो बीस और पांच दूनी दस, पचपन पच्चीस, ये सब क्या हो गई? समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी। चार बटे दो बटा पांच की समतुल्य चार बटा सोलह, छह बटा पंद्रह, आठ बटा बीस और दस बटा पच्चीस, ये सब क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। तो समतुल्य परिमेय संख्या है, जैसे हमने तुल्य भिन्न निकाली थी उसी तरह समतुल्य परिमेय संख्या होती है। इसके बाद के मध्य दो परिमेय संख्याओं के मध्य असीमित परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याओं के मध्य असीमित परिमेय संख्याएं होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे दो परिमेय संख्या मैंने लिखी है दो बटे पांच और एक संख्या लिखी थी तीन बटे पांच, दो बटे पांच और तीन बटे पांच के बीच में वैसे तो कोई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ दो और यहाँ तीन हर समान है तो इनके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है, पर हम इनके हरों को बदल कर हम इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए दो बटे पांच को यदि मैं दस से गुणा कर दूं और तीन बटे पांच को भी दस से गुणा कर दूं तो यहाँ ये संख्या क्या हो जाएगी? बीस बटे पचास और तीस बटे पचास। अब बताओ बीस बटे पचास और तीस बटे पचास के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकल सकती है? दस। देखो बीस के बाद में इक्कीस बटे पचास, बाईस बटे पचास, तेईस बटे पचास और यहाँ तक आते आते कितनी आ जाएगी? चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, ऊपर हर में बहुत सारी संख्याएं आ सकती है। ये तो मैंने दस से गुणा किया, यदि मैं इसको बीस से या सौ से गुणा करूँ तो अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य असीमित परिमेय संख्याएं होती है। तो हमको इसको किस तरह निकालना है? इन हरों को समान करके, इन हरों को किसी और संख्या से गुणा कर दें तो भी इनकी वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा, वह यही मानी जाएगी कि ये दो बटा पाँच और तीन बटा पाँच के बराबर ही है। यदि हम इसको काटते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो इसीलिए कहा गया है दो परिमेय संख्याओं के मध्य असीमित परिमेय संख्याएं होती है। तो ये दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या, कितनी भी परिमेय संख्या हो सकती है। उसके बाद में है समान हर वाले
समान हर वाली परिमेय संख्या में केवल अंशों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या समान हर हो तो दोनों अंशों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। पर यदि हर असमान हो, यदि हर असमान हो तो लस लेकर हर समान करके जोड़ या घटाओ किया जाएगा। जैसे हम भिन्न में करते लस लेके जोड़ घटाओ किया जाए। दो परिमेय संख्याओं का गुणा किस तरह किया जाता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणा, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा वही होता है अंश का अंश से गुणा और हर का से गुणा। भिन्न में भी ऐसे ही होता है, अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा इसी तरह होगा, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। और जो संख्याएं इनमें कटती है उनको काट देते हैं, नहीं कट रही है तो उनको गुणा कर लेते हैं डायरेक्टली। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था। जैसे एक बटा पांच का व्युत्क्रम बोले तो क्या हो जाएगा? पांच बटा एक। तीन बटा चार का व्युत्क्रम बोले तो चार बटा तीन। तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम में संख्या पलट जाती है। जब भी हम भाग कर रहे हैं परिमेय संख्याओं का तो हम संख्याओं का चिन्ह बदलेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे और बाद वाली संख्या व्युत्क्रम में बदल जाएगी। बच्चों इन नोट्स को आपको एक बार घर पर लिखना है CW में और इनका अध्ययन भी करना है, एक बार इनको अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर आपको प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।